आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में संभावित समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की अग्नि परीक्षा हो सकते हैं। एक तरफ जहां एग्जिट पोल ने बीएसपी के साथ मिलकर लड़ने वाली एच डी देवगौड़ा की नेतृत्व वाली जनता दल सेकुलर को किंग मेकर बताया है, ऐसे में एसपी पूरी घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। अगर जेडीएस और बीएसपी कर्नाटक में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन खतरे में पड़ जाएगा। एसपी और बीएसपी दोनों ही बीजेपी को अपना धुर विरोधी मानती है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं का ऐसा मानना है कि यूपी में पार्टी को बेचैन कर मायावती किसी भी कीमत पर बीजेपी जेडीएस गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि बीएसपी का यूपी गढ़ रहा है और कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन का उसे राज्य में कुछ भी राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। उधर जेडीएस ने अभी तक संशय बरकरार रखते हुए यह साफ करने की कोशिश की है कि वे कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि कांग्रेस अगर जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करती है, वे दलित चेहरे को आगे बढ़ाकर जेडीएस को अपने पाले में लाने का प्रयास करेगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। यूपी में मुख्यमंत्री रहते चीनी मिलों की बिक्री में हुई अनियमितताओं पर सीबीआई की नज़र के बीच मायावती ने एस गठबंधन से हाथ मिलाया था। साल 2002 में मायावती बीजेपी के साथ विधायकों को कैबिनेट में जगह देकर मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन तब से अब तक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है।